हेलो दोस्तों, मैं देवचंद केवट भी मैं नदी के ऊपर बैठा हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा पहाड़ी इलाका है। रुमाल डाल लेता हूँ गले में तो थोड़ा अच्छा लगूँगा। बहुत ही बढ़िया सीन है दोस्तों नदी का, आज दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गांव है हमारा और प्यारी सी नदी है। छोटी नदी है लेकिन हमारे लिए पर्याप्त है, देख सकते हैं आप। और ये घाट है नदी के ऊपर चढ़ने का, यहाँ पर कंपनी के पाइप रखे हुए हैं बड़े बड़े। तो आइए चलते हैं नदी के किनारे पे, देखते हैं अभी कैसा क्या है यहाँ का नज़ारा। पानी तो नदी में कम है दोस्तों, लेकिन बारिश के समय में बहुत ही पूर जाती है वो। पूर मतलब बोलें तो उसको पानी फुल भर के जाता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा बाढ़ टाइप का बाढ़ आ जाती है दोस्तों इसमें बहुत सारी। दोस्तों इसके एक तरफ तो हमारा गांव है और दूसरी तरफ जंगल एरिया है। जंगल एरिया का बहुत बड़ा जंगल है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल यहीं पे लगता है, जो खंडवा क्षेत्र पुनासा और देवास ज़िले की बाउंड्री को पार करता है। बहुत बड़ा जंगल है दोस्तों और तरह तरह के जानवर भी इसमें हैं, शायद शेर वगैरह से भी जानवर। इसी रोज़ आपको जंगल में भी दिखाऊंगा जाके। चलते हैं नदी के किनारे, देखिए पानी तो बहुत कम है दोस्तों, बारिश में रहता है इसमें ज़्यादा पानी। अभी तो सिर्फ पशुओं के पीने के लिए पानी है इसमें, जो गाय भैंसे वगैरह बकरियाँ इसमें आती हैं पानी पीने के लिए, और शायद रात में जंगली जानवर भी आते होंगे। दोस्तों ऐसे स्थानों पर आकर बहुत ही मन को शांति मिलती है। जगह देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर देखने लायक जगह है ये, देख सकते हैं। और मुगल कालीन डैम भी बना हुआ है इस नदी के ऊपर, दिखाता हूँ आपको जूम करके मैं बैक कैमरे से। देखिए ये डैम बना हुआ है दोस्तों, दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी समय का मैं घर पे चलते हैं बाद में, और जब भी समय मिलेगा और कहीं दूसरा सीन देखेंगे क्या करना है। तो चलते हैं घर की ओर दोस्तों, देखिए